धीरे नहीं है भाई, गोली मार क्या कर। और कैसे वीडियो जैसे सेठी साहब ने अभी ये कहा है कि यही कश्मीर में एक सेक्युलर पार्टी है जो हम सबको जैसे कि हम सर सर एक मिनट, एक ग्रुप फोटो करवा लो मैडम और इधर करो, उधर जाओ उधर जब आपको आए तो फिर हम सबको पता चला कि आप शामिल हो, तो हम यहाँ पर आपको वेलकम करते हैं। आपके आने से जो की एक आवाज बनेगी, पीडीपी हमेशा एक तलाश में थी कि कोई ऐसा फेस हमें पार्टी का और ऐसे खानदान से कोई बंदा आए जिसकी वजह से हमारी पार्टी और आगे बढ़े। आपके आने से हो सकता है बहुत से चेहरे जम्मू में, जम्मू कश्मीर से अलग अलग खिते से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपको ज्वाइन करें, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देखेंगे काफ़ी अच्छी अच्छी शख्सियतें जो हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं वो हर कम्युनिटी, हर तबका से, हर फिरका से, हर सेक्शन से, सोसाइटी से आपके पास आएंगे और आपके लिए चला हम कोशिश करेंगे हमारी पार्टी मजबूत हो। जितने भी साथी यहाँ पर मेरे आए हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो तभी गर्मी में यहाँ तक लाए। ऐसे पॉलिटिकली मैं कह रहा हूँ कि आप एक इस फैमिली का हिस्सा बने हैं, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी हैं आस्था आप इनको पहचान लेंगे। एक ही दिन सबकी पहचान नहीं हो सकती, एक एक करके दो दो जब वापस आते रहिए आप, तो आपको सबके साथ पहचान करवाएंगे हमारे ये किस वजह पर है, ये कौन है, ये क्या है, ये कब से है, क्या है। होता ऐसा है कि जब कोई आता है तो बस वो उसी दिन फंक्शन होकर ख़त्म हो जाता मसला। को बेचारे पुराने साथी होते हैं जिन्होंने पूरी उम्र पार्टी में दे दी होती है, उनको कोई दिलाता कोई मिलाता नहीं, तो हम
चाहेंगे फिर भी आप आए ताकि हम दो दो चार चार करके आपके साथ अपने पार्टी पुराने साथी उनके साथ बिठाए इंट्रोड्यूस करवाए ताकि आपको जब भी वो मिले कोर्ट में मिले कोर्ट में बाहर मिले सोसाइटी में मिले किसी फंक्शन में एक दूसरे की शनाख्त। तो मैं चाहूँगा सब साथियों से गर्मी बहुत है इसलिए मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसी के साथ अपने कोर साहब को तो मैंने कल दो बार फोन करके हाथ जोड़ के गुजारिश की क्योंकि ये आपको सबको पता है हमारे पार्टी कोई दिन किसी ठीक नहीं थी और मैडम जी कुछ दिन गुजार इनको पता करने गए थे तो ये यहाँ नहीं आ सकते थे मगर फिर भी मैंने गुजारिश की कल दो मिनट के लिए आपका यहाँ आना जरूरी क्योंकि इनको भी पी एस सी मेम्बर और आपका हम सारा वेलकम कर देंगे मैडम ने आपको पोलिटिकल अफेयर कमेटी का एक हिस्सा बनाया है और जिसका हम भी हैं जिनसा भी हैं और ये भी है और स्ट्रेंथन होगी वो तंजीम जो भी फैसले होते हैं वो पी एस सी में होते हैं तो आप जैसी शख्सियत वहाँ होगी तो मुझे लगता है कि हमें पार्टी की बहुत आने वाले इस तरह से आपने पीडीपी का दामन थामा है क्या लगा आपको जम्मू कश्मीर में इस समय पीडीपी पार्टी वाहिद पार्टी थी जो आपने इस समय इसको अपनाया पीडीपी वाहिद वो ऐसी पार्टी है जिसके साथ मैं अपने आइडियोलॉजी को और अपनी इस विचारधारा को और अपनी सोच को सेम पाता हूँ उसी पेडेस्टल पे पाता हूँ इसीलिए मुझे लगा कि पीडीपी में शामिल हो के ही मेरी विचारधारा के को आगे बढ़ाने का मौका मुझे मिल सकता है बाकी किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ना ये ताकत है ना उनकी ये रवैया है आज की तारीख में कि वो अगेंस्ट द करंट चल के और जो एक तूफान सा चला हुआ है इस वक्त दादा आप मेरे से बेहतर जानते हैं सेकुलरिज्म की बात कोई नहीं कर रहा आज की डेट में तो सेकुलर पार्टी पीडीपी को वाहिद पाकिस्तानी पार्टी समझा जाता है यहाँ की अपोजिशन पार्टियाँ हमेशा पीडीपी को पाकिस्तान का लेबल लगाते हैं क्या आपका कहना है कि इस समय महबूब मुफ्ती के जो पार्टी है महबूब मुफ्ती की पीडीपी वो इस समय किस पैटर्न पर चल रही है देखिए कुछ पार्टियों की एग्जिस्टेंस इसी बात पे डिपेंड करती है कि वो दूसरी पार्टियों को कहें कि ये गलत है अब उन पार्टियों का आधे से ज़्यादा जोर और आधा से ज़्यादा मीडिया सेल इसी काम पे लगा हुआ है कि अपनी तारीफ करने के बजाय अपनी अचीवमेंट्स बताने के बजाय ये कहना कि दूसरी पार्टी गलत है एक रॉन्ग प्रोजेक्शन है गलत प्रोजेक्शन है और उसको डिस्पेल करने के लिए उसको गलत एक इम्प्रेशन जो चला जा रहा है भेजा जा रहा है लोगों के दिमाग में उसको दूर करने की ज़रूरत है इसके लिए वोकल बंदे चाहिए बात करने वाला एक बंदे चाहिए जो पब्लिक में जाएं और बताएं कि ऐसा नहीं है पीडीपी में कुछ ऐसा नहीं है कि जो एंटी हिंदुस्तान है या एंटी सेकुलरिज्म है या एक पर्टिकुलर जमात की ही बात करते हैं नहीं करते हैं महबूबा मैडम ने लास्ट टाइम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा मैं आज जम्मू की बात कर रही हूँ सिर्फ जम्मू की बात करने आई हूँ तो क्यों करने आई जम्मू की बात अगर जो प्रोजेक्शन है जो आपके दिमाग में या लोगों के दिमाग में डाली जा रही है पीडीपी के बारे में इट इज़ ए कंसर्टेड एंड कंसीव्ड एफर्ट जिसको डिफीट करना मेरी जिम्मेवारी अपने आप को मैं समझता हूँ और मेरे साथियों की जिम्मेवारी भी है हम कर लगे हुए हैं कर रहे हैं ये ऐसी बात नहीं है पीडीपी ही एक ऐसी सेकुलर जमात आज की तारीख में रह चुकी रह गई है इस रियासत में जिससे सब धर्मों को सब तरह के लोगों को कोई तो जिस तरह से ऑल मीटिंग दिल्ली में हुई उसके बाद पीडीपी की एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है क्या रीजन है क्या किस तो इज इट अ क्वेश्चन लेकिन चक्कर ये सर जिस तरह से दिल्ली में आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन सर क्वेश्चन की पीडीपी उसके बाद ही थोड़ा सा एक्टिव होने लगी है ज़्यादा जम्मू कश्मीर में Tell me what is the question? क्वेश्चन है कि पीडीपी उसके बाद ही एक्टिव क्यों हुई आपका मतलब कि दिल्ली जो मीट आल पार्टी मीट हुई उसके बाद पीडीपी एक्टिव हुई पीडीपी पहले भी एक्टिव थी पीडीपी पहले भी एक्टिव थी आपके सामने ये लोग बैठे हैं ये सारे लोग बैठे हैं ये रातों रात तो एक्टिव नहीं हुए इस दिल्ली की मीटिंग के बाद तो ये सारे नोट नहीं आए दिल्ली में और पीडीपी की बहुत गहरी जड़ें हैं बहुत गहरी जड़ें हैं जम्मू रीजन में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इसका आपको पता है आप उन बंदों के लोगों के नाम भी जानते हैं जो पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों से 2002 से जब पहली बार सरकार बनी थी उससे भी पहले से चलिए थैंक यू वेरी मच जिस तरह से महबूब मुफ्ती ने आपको एक फिर से नवाजा है
अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जी, क्या कहना है आपका इस समय? देखिए मसले बहुत हैं यार, वो तो सीरियसनेस होनी चाहिए पार्टी में, वो है इनमें। अब स्टार्ट पहले आप वो डिटेंशन में काफ़ी देर रहीं, आपको पता पॉलिटिकल एक्टिविटी सारी बंद थी, तो हमने रिवाइव किया, तो नेचुरली वो कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइव करने की हर एक चीज़। बाकी मसले बहुत हैं, कश्मीर के भी हैं, जम्मू के भी हैं, जम्मू मुझे लगता है कश्मीर से ज़्यादा मसले हैं एज इट इज़, जो यहाँ अभी पता नहीं लग रहा लोगों को, लेकिन मसले बहुत ज़्यादा हैं। सो इसमें कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेने तो हैं ज़रूरी, इसमें उसके लिए स्ट्रेंथन होनी चाहिए पार्टी। जिस तरह से इस समय जो पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉज हैं, जो नई पोस्टें निकली हैं, उनको दो साल का एक एग्रीमेंट जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया कि दो साल तक उनको आधी सैलरी पर ही गुजारा करना पड़ेगा, ये देखिए ना, ये तो वन साइडेड इस वक्त डिसीजंस हो रहे हैं। यही तो चीज़ें हैं जिसके लिए फ़ाइट करनी है हमने। अगर हमने फिर कदम उठाए हैं इस चीज़ के लिए, मतलब फिर ज्वाइन करना, फिर वो करना, फिर ये करना, तो ये तो यही तो चीज मसले हैं जो हल करने हैं। जिस तरह से कश्मीरी पंडित इस समय कश्मीर में अपने आप को सेफ नहीं चाहते, वो सेफ नहीं मानते हैं, क्योंकि विश्व में जिस तरह से आए दिन आप देख सकते हैं कि कवाड़ों का इशू पड़ रहा है, क्या लगता है आपको कश्मीरी पंडित समाज इस समय किस दुविधा में? दिस इज़ मिसमैनेजमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही तो चीज़ें हैं जो देखनी है। अगर कोई ये स्टेप्स हमने लिए थे, ये कॉलोनीज बनी थी, वो थे, ये थे, लेकिन दिस इज सिंपल मिसमैनेजमेंट, कोई वो नहीं है इसमें, मतलब आप देखें टोटल मिसमैनेजमेंट है। नहीं तो है कितने वहाँ एम्प्लॉयज, मेरी बात सुने, अगर आप एक 1,000 आदमी या 1,500 आदमी को वो नहीं कर सकते, तो पूरी स्टेट का क्या हाल करेंगे आप? जिस तरह से कश्मीरी पंडित पहले अपने आप को, जिस तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद के टाइम पे कश्मीरी पंडित वहाँ पर वापसी के रास्ते खुले थे, क्या आपको लगता है इस समय जो हालात जम्मू कश्मीर के हैं, कश्मीरी पंडित अपने आप को कहाँ समझते हैं? देखिए हम तो पार्ट हैं इसके, उसके बगैर तो चारा कोई नहीं है। इस वक्त कंड्यूसिव हालात आप कहें कंड्यूसिव, बिल्कुल 100% वो नहीं है, टोटल कंड्यूसिव हालात नहीं है, बट अब हम तो एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिशें हमने की हैं। अब ये जो अब देखें ना, यही जो आपने अभी क्वेश्चन किया विश्व का, अगर आप 1,000 आदमी को वहाँ कंफर्टेबली नहीं रख सकते, झगड़ा होता है, दैट इज़ मिसमैनेजमेंट। अगर आप 1,000 आदमियों का डिस्प्यूट सेटल नहीं कर सकते, तो आप बाकियों का क्या करेंगे? बाकी स्टेट का क्या करेंगे आप?